स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के अध्यक्ष व श्री शिव गणपति सेवा मंडल के उपाध्यक्ष सहदेव चुग को हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड का जिला सदस्य बनाया गया है। इस खुशी में आज श्री शिव गणपति सेवा मंडल की कोर कमेटी द्वारा उनका एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोर कमेटी के संयोजक धर्मपाल सैनी, अध्यक्ष नरेश बक्सी, विकास वर्मा, डॉक्टर राधेश्याम खुराना साहब, पंकज चुग, रणवीर सिंह, दिनेश कारड़ा, रमेश बिंदल, हरपाल सिंह टेनू, लवली सैनी आदि सदस्य जो है उपस्थित रहे। सभी ने सहदेव चुग को जो है सम्मानित किया और इस अवसर पर जलपान की व्यवस्था की गई। डीएवी कॉलेज सडवरा में 33 साल की सेवा करने के पश्चात हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर परमजीत सिंह पावा सेवानिवृत्त हो गए। उनके सहयोगियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर आर के कुर्रा ने कहा कि डॉक्टर परमजीत सिंह पावा ने बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉलेज की सभी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका अदा की है और उनको विशेष तौर पर आज यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी के तौर पर उन्होंने 5 जोनल युवा समारोह व 1 इंटर जोनल युवा समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया, संचालन भी किया। उनके मार्गदर्शन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक गतिविधि में अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। डॉक्टर पावा वर्तमान समय भारत विकास परिषद के एक क्षेत्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हमने प्रिंसिपल साहब से बात की। 33 वर्षों की लंबी सेवा के पश्चात रिटायर हो रहे हैं। इनका सारा जीवन कॉलेज को समर्पित रहा है। डीएवी संस्थाओं में ऐसे व्यक्ति का आज के युग में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने एक कंप्लीट एसेट के तौर पर कॉलेज के लिए काम किया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं इनसे कि ये हमारे अगले सेमेस्टर में कम से कम पढ़ाते रहें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। समाप्त कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 33 वर्ष अपने आप में बहुत एक लंबा अरसा होता है और मुझे इस कॉलेज में सेवा करने का अवसर मिला। इस कॉलेज की बेहतरी के लिए, इस कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैंने भी प्रयास किया अपना थोड़ा बहुत योगदान दूं अपने साथियों के साथ मिलकर। और आज मुझे संतोष है, खुशी है कि जिस उद्देश्य से हम आगे बढ़े थे उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं हम सफल रहे हैं। हमारा ये महाविद्यालय निरंतर आगे बढ़ा है, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो और चाहे अनेक प्रकार की गतिविधियों की दृष्टि से हो। हम सब ने मिलकर इस देश के, इस कॉलेज के हित के लिए काम किया है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि जो भी हमने काम किया है मिलकर इस कॉलेज की बेहतरी के लिए, वो कहीं ना कहीं उसमें मेरी भी एक मुख्य भूमिका रही। भाजपा के एससी सेल के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह मट्टू द्वारा आज सडौरा के रामबाग शमशान घाट में एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे सुमन जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सैनी एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धर्मवीर सिंह मट्टू की देखरेख में सफाई कर्मचारियों द्वारा शमशान घाट में जो है एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो भी यहाँ पर आएं और स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें। हाँ, आज रामबाग में स्वच्छता अभियान के तहत प्रोग्राम किया गया है विधानसभा सडौरा के नगर पालिका सडौरा। इसमें जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान 2014 में जब से हमारी सरकार बनी है एक मिशन की तरह इसको लेके चले हैं और ये मिशन जो सफाई कर्मचारियों ने और सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखते हुए और उनके उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए ये कार्यक्रम सफल बनाया और आज भी हर शहर में, हमारे हरियाणा जिले में हर शहर में, हर जिला में ये प्रोग्राम चल रहे हैं स्वच्छता अभियान।
तो आपने जो यहाँ पे सफाई कर्मी थे उनको क्या दिशा निर्देश दिए? उनको यही दिशा निर्देश दिया है कि आप लोग बड़ी अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और आगे भी उन्होंने हमारे से भी वादा किया है कि हम आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक महीना पहले सढ़ौरा से बिलासपुर वापस बुला ली गई थी, उसको दोबारे से फिर बिलासपुर से सढ़ौरा भेज दिया गया है। नगर सुधार समिति के द्वारा विशेष प्रयास किया गया, SDM जसपाल गिल जी के ध्यान में लाया गया और जसपाल सिंह गिल द्वारा ही अब जिला प्रशासन से बातचीत करके ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी सढ़ौरा रेस्ट हाउस में खड़ी कर दी गई है, क्योंकि गर्मियों का अब मौसम है, फसलें तैयार हैं कटने के लिए और किसी प्रकार की अनहोनी कस्बे में या ग्रामीण क्षेत्र में ना हो, इसके लिए एक बार फिर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है सढ़ौरा जो है आ चुकी है। इसके लिए समस्त सढ़ौरावासी नगर सुधार समिति जो है SDM जसपाल सिंह गिल का आभार व्यक्त करती है और उनसे निवेदन करती है कि इसको स्थायी रूप से यहाँ पर एक स्थान उपलब्ध कराकर जो है यहीं पर खड़ा कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई आगजनी, कोई अनहोनी इस प्रकार से हो तो उसको जो है समय रहते उसका जो है निपटान कर दिया जाए। कल 2 अप्रैल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2079 जो है आरंभ होने जा रहा है, हमारा अपना नव वर्ष। तो आप सभी को हमारे अपने नव वर्ष विक्रमी संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी। ये थी स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।